तो व्हाट्सअप गाइज, तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कुछ इसी टाइप की फोटो को एडिट करना सिखाने वाला हूँ, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं। और गाइज, ये बिल्कुल 4 स्टेप का फोटो एडिटिंग होने वाला है। तो जो भी भाई इस वाली वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेगा, वो भी कुछ इसी टाइप की फोटो एडिटिंग केवल लाइटरूम ऐप में कर लेगा। और 110% मैं लिख के देता हूँ कि ऐसा फोटो एडिटिंग आप कर ही लेंगे अगर वीडियो को लास्ट तक देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अपनी गैलरी से ओरिजिनल फोटो को लेना होगा और लेने बाद इसकी शेयर के आइकन पर क्लिक करके इस वाली फोटो को लाइटरूम के अंदर शेयर कर देंगे। और मैं सीधे लाइटरूम ऐप को ओपन करता हूं, वहां पे आपको सारी प्रोसेस बताता हूं। सो व्हाट्सएप गाइस, जैसे ही आप लाइटरूम ऐप को ओपन कीजिएगा तो आप लोगों के सामने कुछ इस टाइप के इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले ऑल फोटोज के आइकन पर क्लिक करके अपनी फोटो को सिलेक्ट करके ओपन कर लीजिएगा जिसे आपको एडिट करना। और गाइस, इसी फोटो को हम लोग एडिट करने वाले हैं। और वीडियो के शुरू में ही आपका भाई एक बात बता दे कि अगर आप इस वाली वीडियो को कहीं पर भी स्किप कर देते हैं तो आप फोटो एडिटिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका भाई एक एक स्टेप बहुत ही अच्छे तरीके से बताने वाला है। तो वीडियो में आप बने रहिएगा, कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, साइड में ऐसे स्क्रॉल करेंगे और साइड में ना लाइट के आइकन पे हम लोग क्लिक कर देंगे। देन दोस्तों, लाइट के आइकन पे आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा ना, तो इसकी कॉन्ट्रास्ट की वैल्यू आप ऐसे इंक्रीज कर लीजिएगा। मैं इंक्रीज करके यहाँ पे 47% कर लेता हूँ और इसकी हाईलाइट की वैल्यू डिक्रीज करके -24% और इसकी शैडो की वैल्यू इंक्रीज करके प्लस साइड में 37% कर लूंगा और नीचे के इसकी ब्लेड्स की वैल्यू हम लोग ऐसे डिक्रीज करके -25% कर देंगे। देन दोस्तों, ये सारी सेटिंग करते ही ऑल टू ऑल आपकी पूरी फोटो ना कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाएगी। और गाइस, यहीं पे हम लोगों का पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है जिसमें हम लोगों ने ना अपनी फोटो की लाइट को अच्छे तरीके से एडजस्ट किया। और सेकंड स्टेप में गाइस, मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने ना फोटो की कलर को करेक्ट करके एक बेहतरीन से टोन को क्रिएट करेंगे। और ये वाला स्टेप बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है आप लोगों के लिए, तो वीडियो को आप अच्छे तरीके से यहाँ पे देखिएगा। तो उसके लिए हम लोग कलर्स के आइकन पे जाएंगे और जाने के बाद इसकी वाइब्रेंस की वैल्यू हम लोग ऐसे इंक्रीज कर लेंगे और इंक्रीज करके इसे प्लस साइड में 32% कर लेंगे। देन दोस्तों, इसके टिंट की वैल्यू भी आप लोग ऐसे डिक्रीज करके ना इसे -20% कर लीजिएगा और इसके टेम्प की वैल्यू भी आप ऐसे इंक्रीज करके प्लस साइड में 14% कर लीजिएगा। देन दोस्तों, सिंपल से आप लोगों को ऊपर साइड में ना मिक्स टूल के आइकन पे क्लिक करना होगा और मिक्स टूल के आइकन पे आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आप लोग के सामने कुछ इस टाइप के इंटरफेस देखने को मिलेगा। और काफी भाई यहीं पे मिस्टेक कर देते हैं, इसीलिए वो फोटो को अच्छे तरीके से एडिट नहीं कर पाते हैं। तो आपका भाई अच्छे तरीके से बताने वाला है, तो आप भी ना अच्छे से देखिएगा वीडियो को। तो सबसे पहले आप लोग को यहाँ से ना येलो कलर को लेना होगा और येलो कलर को लेने के बाद इसकी सेचुएशन की वैल्यू डिक्रीज करके -100 कर दीजिएगा, ह्यू की वैल्यू भी डिक्रीज करके -100 कर दीजिएगा, ल्यूमिनेंस की वैल्यू भी डिक्रीज करके -31% कर दीजिएगा। देन दोस्तों, यहाँ से आप लोगों को ग्रीन कलर को लेना होगा और इसकी भी सेचुएशन की वैल्यू डिक्रीज करके -100, ह्यू की वैल्यू भी डिक्रीज करके -100, ल्यूमिनेंस की वैल्यू भी डिक्रीज करके -24। देन दोस्तों, एक्वा ब्लू कलर को लेंगे, इसकी भी सेचुएशन को डिक्रीज करके -100, ह्यू की वैल्यू भी डिक्रीज करके -100। देन दोस्तों, इसके बाद आपको यहां से ना ब्लू कलर को लेना होगा और इसकी भी सेचुएशन को डिक्रीज करके -100 कर देंगे। देन दोस्तों, ये सारी सेटिंग कर लेने के बाद आपको अपनी फेस वाले कलर को सिलेक्ट करना होगा जो कि ऑरेंज वाला कलर होता है, और लेने के बाद इसकी सेचुएशन की वैल्यू आप ऐसे डिक्रीज करके -31% करके और डन क्लिक कर लीजिएगा। और डन जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा ना, तो अल्टू वाला आपकी पूरी फोटो ना कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाएगी। तो सिंपल से गाइस, इतना सारा काम तो हम लोगों का हो चुका है, आगे आपका भाई कलर को भी डालना बताने वाला है, तो वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। उससे पहले गाइस, मैं आपको बता दूं कि कैसे आप अपनी फोटो को फुल HD में कन्वर्ट करेंगे। तो उसको करने के लिए आपको इफेक्ट के आइकन पर जाना होगा और जाने के बाद सिंपल से आप लोगों को इसकी टेक्सचर की वैल्यू ऐसे इंक्रीज करके ना प्लस साइड में 20 कर लीजिएगा, क्लियरिटी की वैल्यू इंक्रीज करके 8%, डीआईएस की वैल्यू भी इंक्रीज करके 8% और इसकी विगनेट की वैल्यू आप ऐसे डिक्रीज करके -35 कर लीजिएगा, मिड पॉइंट की वैल्यू भी ऐसे डिक्रीज करके -33% कर लीजिएगा। देन दोस्तों, ये सारी सेटिंग करते ही ऑल टू ऑल आपकी पूरी फोटो कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाएगी। तो गाइस, इतना सारा काम तो हम लोग का हो चुका है, तो आगे आप लोगों को क्या करना है, चलिए आपका भाई बताता है। आपको सिंपल से ना डिटेल्स के आइकन पे जाना होगा, शार्पनिंग की वैल्यू इंक्रीज करके यहाँ पे 39% कर देंगे। और गाइस, वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा क्योंकि अभी कलर को डालना बाकी है, उसे आप अगर नहीं डालते हैं तो आपकी पूरी फोटो देखने में बहुत ज्यादा बेकार लगेगी। तो इसका
बाद गाइस हम लोग इसकी मास्किंग की वैल्यू इंक्रीज करके 52 कर देंगे, नॉइस रिडक्शन की वैल्यू इंक्रीज करके 24%, कलर्स नॉइस रिडक्शन की वैल्यू भी इंक्रीज करके 29%, और नीचे आके इसकी स्मूथनेस को आप अपने हिसाब से बढ़ा लीजिएगा, मैं यहाँ पे 72% कर लेता हूँ। देन दोस्तों ये सारी सेटिंग करते ही ना ऑल्टू वाल आपकी पूरी फोटो कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाएगी। तो गाइस कलर को कैसे ऐड किया जाता है चलिए आपका भाई बताता है। तो उसके लिए आपको कलर्स के आइकन पे जाना होगा और मिक्स टूल के बगल में ग्रेडिंग के आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा, और यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं शैडो का, मिड टोन, हाईलाइट और ग्लोबल। तो हम लोग सिंपल से ग्लोबल वाले में आके और इसके ह्यू और सिचुएशन को मिलाएंगे। तो अपने फिंगर से पकड़ के इसे अच्छे तरीके से ना थोड़ा सा यहाँ पे ब्लू साइड में लेकर चले आइएगा, और ब्लू साइड में लाने के बाद आप देख सकते हैं इसकी ह्यू की वैल्यू 232 है और सेचुएशन 25, और इसकी लिमनेस की वैल्यू हम लोग ऐसे डिक्रीज करके और डन क्लिक कर देंगे। और ये सारी सेटिंग करते ही ऑल्टू वाला की पूरी फोटो कुछ इस टाइप से एडिट होके आ जाएगी, जो देखने में काफ़ी ओसम एंड फारसी दिख रही है। तो इस फोटो को फुल HD में सेव करने के लिए शेयर के आइकन पर क्लिक करके सेव टू डिवाइस कर दीजिएगा, आपका ये फोटो गैलरी के अंदर सेव हो जाएगा। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग guys।